वर वर्कू बरिम अजीज़लबाई कराम एम इस्लामियात के मज़मून फ़िक वौसूलफिक् का आज हमारा सबक़ नंबर एक सौ तेरह है जिसका अनवान है विदायतुलमुस्तकी किताब किताबलाजुमलसानिया और इनशाला आज हम अल अलसाबे से पढ़ेंगे माकबल से रबत इसका ये है कि पीछे अंत आली या हराम का जुमला अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी से कहा तो इससे क्या होगा तलाक होगी नहीं होगी इसके बारे में फकाहा के मुख्तलिफ अकवाल हैं पीछे हम छः अकवाल फकाहा के जिक्र कर चुके हैं आज इनशा हम अलसाब यानी सातवें कौर से शुरू करेंगे तो नए सबक शुरू करने से पहले हम पिछले सबक यानी सबक नंबर एक सौ बारह का खुलासा देखते हैं पिछले सबक में हमने सबसे पहले इबारत का तर्जमा और इबारत की मुख्तर तश्रह पढ़ी थी और तश्रह के दौरान हमने दूसरा कॉल पढ़ा था ऐसे ही तीसरा कॉल हमने मुफसल जिसके ऊपर बात की थी ऐसे ही चौथा कॉल भी हमने पढ़ा था अकाब के नाम से ऐसे ही अलकास यानी पाँचवा कॉल भी हमने पिछले सबक में देखा और छठा कॉल भी यानी छठे कॉल तक हमने पिछले सबक में देख लिया है कि अंत्यालिया हराम उन किसी ने कहा जो इसके बारे में फकाहा की जो आरा है फका के जो मख्तलफ़ अकवाल हैं तो छः अकवाल हमने पिछले सबक में मुकम्मल कर लिए हैं तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम सबसे पहले इबारत का तर्जमा और मुख्तसर तशरी पढ़ेंगे और मख्तर तशरी के दौरान हम सातवा कौल जिक्र करेंगे यानी अंत आलिया या हराम के बारे में जो फा की मुख्तलिफ़ आरा हैं मुख्तलिफ अकवाल हैं उनमें से सातवा कौल क्या है वह तफसीर आज के सबक में हम देखेंगे ऐसे ही फसल सानी की इब्तदा हम करेंगे कि शुरू में हमने अलजुम सानिया जब हम शुरू किया था तो इसकी बंदी में हमने पढ़ा था कि हम पहला बाब शुरू करने लगे हैं और पहले बाब की दो फसलें हैं पहली फसल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है यानी कि आज के सबक़ में मुकम्मल हो जाएगी और आज के सबक़ में हम दूसरी फसल शुरू करेंगे जो कि तलाक़ के अल्फाज के बारे में है पिछली फसल तो फसल अव्वल तलाक़ के मुतलक अल्फाज के बारे में थी अब तलाक़ के अल्फाज के बारे में अल्फल सानी है जिसकी आज हम इब्तदा करेंगे ऐसे ही तलाक़ अल्फाज के बारे में हम बहस करेंगे और तलाक़ के अल्फाज की दो अकसा मुसनफ़ ने बयान की हैं उनको तफसीला हम देखेंगे अलग अलग और उनके हुक्म भी देखेंगे ऐसे ही तलाक़ के अल्फाज के बारे में फकह का जो इख्लाफ है उस पर तफसी गुफग की जाएगी तो ये आज की हमारी है, चलें देखते हैं कि मुसनफ़ क्या फरमाते हैं वल़ुलसा बयाऊ सातवा कौल अन्ना तहरीमती का तहरीमा कि औरत को हराम करना अपने ऊपर ऐसे है जैसे पानी को अपने ऊपर हराम कर लेना कि अंत आलिया हराम कहकर किसी ने औरत को अपने ऊपर हराम कर लिया तो सातवां कौल ये है कि ये ऐसे ही है जैसे कोई अपने ऊपर पानी को पानी पीने को हराम कर ले वली सफ़ी कफारतन वला तलाकुन और कोई अगर अब पानी को अपने ऊपर हराम कर ले तो ना तो इसमें कोई कफारा होता है और ना ही कोई तलाक वाक़ होती है क्यों दलील क्या है नौली तर ना तो हबीमत कईबाती माहक के ना हराम करो उन पाकिज़ा चीज़ों को जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया है ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर हराम ना करो तो लिहाजा जैसे पानी को अपने ऊपर हराम करना मना है इस आयत मुबारक़ा से ऐसे ही औरत को अल्लाह ताला ने मर्द के लिए हलाल किया है तो उसको शोहर अपने ऊपर हराम करे इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने इस चीज से मना कर दिया है वह क़ल मसरूकिन और जो ये कौल है ये इमाम मसरू का अजदा का अबी सलमा बिन अब्दुलरहमान का इमाम शाबी और इनके अलावा और दूसरे फुकाहा हैं जिनका ये कहना है ठीक है तो ये सातवां कौल है कि औरत को हराम करना अपने ऊपर ऐसी है जैसे पानी को हराम करना और पानी को हराम करने से अल्लाह तना किया है वमन खाल फ़िया गैैर मुगलिन और जिन फ्कहा ने इस जुमला को गैर मुगल माना है यानी मुगलज़ा नहीं माना बाम अजाफी हलवा जब फ़ी जहारी तो वो इसमें वो वाजिब करते हैं जो ज़िहार में वाजिब होता है जैसा कि जिहार में आपको पता है रोज़े रखे जाते हैं ग़ुलाम आज़ाद किया जाता है और साठ रोज़े रखे जाते हैं ठीक है ठीके? ऐसे ही साठ मिस्किनों को खाना खिलाया जाता है तो जो जिहार में वाजिब होता है वही बाज फ ने इसमें भी वाजिब किया है वह बाज़म अबा फ़ीहा इतका रिन और बाज फ कहा ने इसमें सिर्फ़ ग़ुलाम आज़ाद करने को वाजिब किया है ठीक है यानी कि सातवां कौल हम पढ़ रहे हैं सातवां कौल यह है कि ये ऐसे ही है जैसे पानी को अपने ऊपर हराब करना जैसे अल्लाह ने पानी को अपने ऊपर हराम करने से मना किया है ऐसी औरत को भी अपने ऊपर हराम करने से मना किया है और जो कहते हैं कि यह गैर मुकल है तो उन उनमें से बाफ कहाक ने उस चीज़ को वाजिब किया जो जिहार में वाजिब होती है बाज़ ने सिर्फ ग़ुलाम आज़ाद करने को वाजिब किया है व सबल ही इख्लाफ का सबब यह है कि हल हुआ यमीन किनायत कि ये जो औरत को अंत्यारी हराम के ज़रिए हराम करना है ये यमीन है यानी कसम है अव किनायत या ये किनाया है यानी तलाक़ का किनाई लफ है अवली सब यमी वला किनायतिन या ये ना तो यमीन है और ना किनाया है क्या चीज़ है यानी यमीन कसम है किनाया अल्फल्फ है या ना तो यमीन है ना किनाई लफज तो तो है तो फादी उसूल नमा या कौमिन फील्फी तलाक़ तो अल्फाज तलाक़ से मुतल ये असूली अहकाम है ठीक है ये फहाद ही उसूल माँ या कौमिरफ़ी अल्फाजी तलाक़ तलाक़ के अल्फ़ाज़ के बारे में जो इख्लाफ है ये उसके असूल हैं ठीक है थीके? तो इसकी वजह से फ़ाँह के दरमियान इख्लाफ वाक़ हुआ है इन ओसूल आबाद की वजह से तो यहाँ से जो है दूसरी फसल बयान करनेफसलसानी बाब अल की दूसरी फ़सल है तलाक़ के मुक़ल अलफाज के बारे में अफ़सलसानिफ़ भी अलफ़ा तलाक़लम़दी मुद्ल अल्फ़ाज़ तलाक़ के जो है उनके बारे में अल्फलस षानी है वलाक़ालमैद तलाक़ मुद लाखलुमिनस्म इसकी दो किस्में हैं इम तकीदरातिन यानि क़ैद शरत अतना या क़ैद इसतिसना यानि इसतिसना के जरिए क़ैद लगाना या शर्त के ज़रिएद लगाना ये दोस्में हैं तलाक़ मद की व तकीदलमशतरात लाखलु अब जो पहली है तकीद इश्तरा जो है तकीद मुश्तरद जिसको कहा गया है लाखलू अल्ला का भी मशीयती मलहुआारन के नहीं ये ही नहीं है कि इसको मौल किया जाएगा किसी साहिब इख्तियार की मशीत की तरफ साहिब इख्तियार की मशीत के साथ इसको मौल किया जाएगा अब भी वक़ु रफ़िया मुस्तबिला ऐसे अफ़ल के वक़ु के साथ इसको मौल किया जाएगा जो कि मुस्तबिल में होना है यानी मुस्तकबिल के किसी फेल के साथ इसको मौल कर दे और भी खरूज शय मजहुलवजूदी या किसी ऐसी चीज़ के खरूज के साथ इसको मौल कर दे कि जिसका इलम अभी ना हो मजहुल हो इजूदी यानी उसका वजूद अभी मालूम ना हो अलायमालिकला के बी मतल तवसलमी इबाद खरूजी हीहसी यह तलाक़ को किसी ऐसी चीज़ के साथ माल कर दे जिससे वाकफियत का कोई रास्ता ही ना हो यानी कोई तरीका ही ना हो कि उससे वाकफियत हासिल हो सके उसका इलम हासिल हो सके और जिसके वजूद में आने या ना आने का इम्कान पाया जाता हो ठीक है अउ बिमा सबिरूफ़ी यानी उसके कोई रास्ता ही ना हो उस तक पहुँचने का आउमा आल ही मुमकिन आई यकून या उसके वजूद में आने का इम्कान पाया जाता हो या ना पाया जाता हो ऐसी चीज़ के साथ उसको मुल्त कर दे यानी कि जो तक शर्त है उसमें किसी न किसी चीज़ के साथ मौल करार देगा साहिब इख्तियार की मर्ज़ी के साथ दे दे कि मुस्तबिल के किसी काम के साथ दे दे या किसी नामूम श वजूद में आने के साथ उसको मौल करार दे, दे। ठीक है या जिस चीज़ का इसी वक्त इलम हो जबकि वह अहसास वजूद के दायरे में आ जाए ऐसी चीज़ के साथ उसको मौल़ करार दे दे बहरहाल किसी भी चीज़ के साथ उसको मालक वो करार दे देगा व तलाक़ी बिलमशती अब यहाँ से ये जो ताली बिलमशत है यानी कि जो मशीत किसी साहिब इख्तियार की मर्ज़ी के साथ उसको मौल़ करार देंगे फ़ैन उल्लाखल कहू बशीतिल्ला ये दो हाल से खाली नहीं कि इसको या तो अल्लाह की मशियत के साथ मौल करार दिया जाएगा और भी मशियत ही मखलूकिन या मखलूक़ की मशीयत के साथ इसको शर्त करार दिया जाएगा आसान अल्फाज में समझ लें कि जो तलाक़ मुद है ये इसकी दो किस्में हैं तकीद शर्त और तकीद इसतितना अब तकीद शर्त दो हाल खाली नहीं या तो उसको किसी साहिब इखियार की मर्ज़ी के साथ माल किया जाएगा या मुस्तबिल के किसी काम के साथ उसको मौल करार दिया जाएगा अगर पहली सूरत हो यानी तालीक व तला कबल मशीयती मशीत के साथ उसको शर्त करार दिया गया है मौल करार दिया गया है तो वो फिर दो अर्से खाली नहीं कि या तो उसको अल्लाह की मशियत के साथ माल किया गया होगा या मखलूक़ की मशीत के साथ मौल करार दिया गया होगा फ़ैदा अल्ला का भी मशीत ला पर जब इसको अल्लाह की मशीत के साथ मौल़ करार दे दिया जाए व स्व अल्ला का अला जिहती शर्त बराबर है कि अल्लाह का अला जिहत शर्त उसने शर्त की जीत पर उसको मत किया हो तलाक़ दी हो यकूल है जैसा कि वो कहे अंति ताल इनशाला तो यह तलाक है अगर अल्लाह चाहें ठीक है ये उसने जुमला कहा अला जिहत अल या उसने इसतना के तरीके पर तलाक़ दी हो पीछे था कि शर्त की जिहत पर उसने तलाक़ दी जैसे इन कह दिया और यह उसने जिहत इस यानी इस के तरीके पर तलाक दियो जैसे उसने कहा हो इल्ला तार्कन अशा के तुझे तलाक़ है अः ये कि कुछ और चाहे यानी मैं तुझे तलाक़ दे रहा हूँ मगर अगर, अगर अल्लाह कुछ और चाहेंगे तो फिर वो हो जाएगा तो ऐसी सूरत में यानी अंति तार्कन इनशा कहा यानते तौल्क अलाशा कहा फ़ैना मालिकन तो इमाम मालिक रही फरमाते हैं ला युअर इस तलाक़ तो तलाक़ में इसना जो है वो मौसर नहीं होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा व वाक्य उन लाबुद्दा और वह जो तलाक़ है वह वाक़ होकर रहेगी इसना का कोई फ़ायदा नहीं होगा यानी अशा जो कहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा वक़ा अब हनीफ़त रहीम व शाफ़ीय इमामनीफ़ा और इमाम शाफी रिमावल्ला फरमाते हैं इदस्त तस्नमत मशीत लमयलाक़ू के जब तलाक़ देने वाले ने इसस्ना कर दिया अल्ला की मशीत के साथ यानी अल्ला की मर्ज़ी का इस्तना कर दिया तो लम यका तलाक़ तो फिर तलाक़ ही वाक़ नहीं होगी तो फ़ाक़ अख्तिलाफ़ हमने देख लिया कि अगर किसी ने जिहत शर्त पर तलाक़ दी हो यानी तलाक़ दे रहा है और अल्लाह की मशीयत के साथ शर्त करार दे रहा है या अल्लाह की मशीयत के साथ इसना कर रहा है तो इमाम मालिक अल्लाह कहते हैं कि इसना का कोई फ़ायदा नहीं है तलाक में और तलाक़ हर हाल में वाकई होकर रहेगी लेकिन इमाम व हनीफा रही और इमाम शाफ़ी रही फरमाते हैं कि जो उसने इसना किया है अल्लाह की मशीत का लम यकाई तलाक़ू तो इसकी वजह से तलाक वाक्य नहीं होगी इमाम मालिक रही के नज़दीक तलाक वाक़ हो जाती है इमाम वनिफा इमाम शाफी रही के नज़दीक तलाक वाक्य नहीं होती ये आपने याद रखना है कि हमने यहाँ से अपना ये सबक मुकम्मल किया था तो अगले सबक में इस इसी तसलसल से आगे चलेंगे ये इतलाफ़ आपने जहन में रखना है इमाम मालिक रही मिला कहते हैं कि इस इसना का कोई फ़ायदा नहीं है और तलाक हो जाएगी और ये अब कहते हैं दोनों के तलाक वाक़े नहीं होगी बहरहाल आज के हमारे सबक का ख़ुलासा ये निकला है कि आज के इस सबक में हमने सबसे पहले इबारत का तर्जुमा और इबारत की मुख्तसर तश्रह पढ़ी है और मुख्तसर तशरी के दौरान हमने देखा था सातवां कॉल के अंत आलिया हराम उन कहने की वजह से वो कहा कि जो मुख्तलिफ अकवाल थे छः अकवाल पिछले इसबाक में हमने मुकम्मल कर लिए थे सातवाँ आज के सबक में हमने अभी पढ़ा है और ऐसे ही फसल षानी की इब्तदा आज के सबक में हमने की है और जिसमें हमने तलाक़ के मुद्ल अल्फाज के बारे में बहस की है और तलाक़ के मुद अल्फाज की दो अकसाम हैं और उन दोनों को हमने तफसन देख लिया है ऐसे ही फुका के मुख्तलिफ अकवाल हैं इमाम मालिक रही एक तरफ़ हैं इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी रिमोल्ला एक तरफ़ हैं तो फुकहा का जो इख्तलाफ है कि किसी ने इसना करार दे दिया तो इमाम मालिक के नज़दीक इसना का कोई फ़ायदा नहीं तलाक हो जाएगी आनाफ के नजदीक तलाक वाक्य नहीं होगी तो पेपर में पूछे जाने वाले सवाल तो वही हैं कि मजकुर इबारत का तर्जमा और तश्री करें और तलाक़ मकीयत के बारे में मुफसल बहस करें यह सवाल भी मुमकिन है पूछा जा सकता है आगे यही सवाल हमारा चलेगा तो अगले सबक सबक नंबर एक सौ चौदह में इनशाला हम किताब तलाक का जुमला तोानिया ही पढ़ते रहेंगे और व सबुलखिलाफ इबारत से आगे हम शुरू करेंगे यानी इमाम मालिक और इमाम वनीफा इमाम शाफी का जो भी हमने इलाफ देखा है उस इलाफ का असल सबब क्या है वो सबब अगले सबक में हम देखते हैं जजाकल्ल खीर अल्लम वरहल वबरक